नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 पिंडी। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूं मऊ जिले में और मऊ जिले का सदर विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन जिला अधिकारी कार्यालय के सामने हूं और एक प्रत्याशी हमारे बीच खड़े हैं। इनसे हम जानेंगे, ये मोहम्मदाबाद गोहना के प्रत्याशी, मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जी श्री राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं, सपा प्रत्याशी। सर, स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर। क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे आपके जो विधानसभा में लड़ने के लिए? इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की का मापदंड शिक्षा से आंका जाता है। केंद्र में से लगाए प्रदेश में बैठी वर्तमान हुकूमत ने शिक्षा को पूरी तरह से तबाह कर दिया, बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया, गार्जियन अपने बच्चों के मुस्तबिल को लेकर के परेशान हैं, मजदूर अलग परेशान हैं कि लॉकडाउन के आड़ में मजदूरों को तबाह कर दिया गया, भूखों मरने के लिए मजबूर हो गए, नौजवान अलग परेशान हैं। सर, या देश के अंदर 35 करोड़ पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर मारे मारे फिर रहा है, जिनका मुस्तकबिल अंधकार में है। इन सारी बातों को लेकर के चाहे देश का किसान, नौजवान, गरीब, कर्मचारी, सारे लोग परेशान हैं और इस हुकूमत से निजात पाना चाहते हैं बीजेपी की, इसलिए सपा की सरकार बनाने के लिए जनता बिल्कुल तैयार बैठी है, इंतज़ार कर रही है कि कब 7 तारीख आएगा और हम लोग साइकिल की बटन दबाएं और सपा की सरकार बनाने में अपना अहम रोल अदा करें। तो माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का फिर से मुख्यमंत्री बनाएं, ताकि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो, 300 यूनिट बिजली फ्री में मिले, शिक्षा स्वास्थ्य का इंतजाम हो। पिछली बार के गठबंधन से और इस बार के गठबंधन से क्या फर्क पड़ेगा जनता के ऊपर? इस बार का गठबंधन सोच से बना है, पिछली बार का गठबंधन भावनाओं में बना था। सोच से बनता है तो उसमें टिकाऊपन होता है, क्योंकि उसमें विचारधारा होती है और भावनाओं में तो भावनाओं या जज्बात जो बहुत देर तक टिकाऊ नहीं होते हैं। अच्छा सर, आपके विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा, आप चुनाव जीतने के बाद जब आएंगे तो क्या सबसे सड़क, खड़ंजा, बिजली, पानी, सुलभ शौचालय, आवास, स्कूल, ये सारे, स्वास्थ्य, ये सारे मुख्य मुद्दे होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जो थे सपा प्रत्याशी थे मोहम्मदाबाद गोहना राजेंद्र कुमार जी, मोहम्मदाबाद गोहना से राजेंद्र कुमार जी थे, और इनके तमाम मुद्दे आपने सुने। और क्या जो इनका जो गठबंधन है सुभाषपा से, क्या ये जीत कर आते हैं तो क्या जनता के बीच में क्या छाप छोड़ते हैं, आप देखते रहेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से भी आप देखते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।